इक्वेशन ऑफ ए प्रोग्रेसिव वेव दे रखी है आपको, और ध्यान रखो एक्स एंड वाई आर मीटर दे रखे हैं, तो ये 5 भी मीटर में ही होगा फिर, ठीक है ना। इन दोनों की डायमेंशन सेम होगी है, तो आपका जो वेवलेंथ आएगा 2 पाई को अंदर ले जाएंगे तो 2 पाई बाई 5, तो वेवलेंथ कितनी है, 5 मीटर है इसमें, ठीक है। फाइंड आउट फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल सेपरेटेड बाई डिस्टेंस, तो आपको तो कल ही निकाला अपन ने, ये अगर डेल्टा एक्स से सेपरेटेड दो पॉइंट है तो उनके बीच साइन वेव में फेज डिफरेंस कितना आएगा, 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। अगर नहीं पढ़ा है ना लास्ट लेक्चर तो, और SHM में अगर डाउट्स हैं आपके इक्वेशंस में, तो फिर आगे के क्वेश्चन अब नहीं होंगे आपसे जो आज मैं कराने वाला हूँ, ठीक है ना। ध्यान से देखें फिर, 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई बाई 5 इंटू कितना सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो इसको, 5 इंटू 100, और डेल्टा एक्स कितना है, 125, या 125 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो कितना आएगा आपका, देखो ये 250 और 500 कितना आ गया, 5/2 आ जाएगा आपको, 5/2 रेडियन आपका आंसर होगा इस, ठीक है ना। क्योंकि आपने कल ही निकाला था कि वेव ऐसे जा रही है तो डेल्टा एक्स पे दो पॉइंट होते हैं तो इनके बीच फेज डिफरेंस कितना होता है, 2 पाई बाई लेमडा इंटू बीच की डिस्टेंस। बी पॉइंट देखिए, बी पर क्या कह रहा है, बिटवीन टू इंस्टेंट्स एंड द फॉर एनी पार्टिकल, तो किसी भी पॉइंट पर इस इंटरवेल में फेज डिफरेंस क्या होगा, ओमेगा इंटू टाइम इंटरवेल, खत्म हो गया, ठीक है ना। किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैंने बताया तो टाइम के साथ तो वेक्टर है, ओमेगा इंटू टी से ही घूमेगा, किसी भी एक इंटरवल पर, मान लो टी इक्वल टू 0 पे यहाँ पर है तो टी टाइम पे ओमेगा इंटू टी घूम जाएगा, तो ये टाइम इंटरवल है, तो ये टाइम इंटरवल कितना दे रखा है आपको, 1/40 - 1/20, इस इंटरवल का फेज डिफरेंस पूछ रहा है। ओमेगा कितना है वहां से देखेंगे अपन, जो इक्वेशन दे रखी है साइन ओमेगा टी से कंपेयर करके, 2 पाई f, 2 पाई इंटू 60 है, इसकी जगह आप 2 पाई इंटू 60 रख दो, ओमेगा की जगह कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई 60, 1/40 ले लिया कॉमन, 1 - 1/3, 2/60, तो ये कितना आ जाएगा, 2 पाई रेडियन आ जाएगा, ये आपका 2 पाई रेडियन आंसर आ जाएगा, डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन, और ये कितना आएगा आपका, 5/2 रेडियन है, ठीक है। चेक करो, किसी को दिक्कत हो तो बताओ, वही मैंने आपको बताया था दो पॉइंट सेपरेटेड है उनके बीच फेज डिफरेंस कितना होगा और एक पर्टिकुलर पोजीशन पर फेज डिफरेंस कितना होगा।